पाली में 17 साल बाद रेप केस से बरी हुआ पीड़ित बोला, आरोप लगे तो पत्नी बच्चे छोड़ गए, बेंगलोर में गुजारी गुमनाम जिंदगी। पाली में 60 साल के एक व्यक्ति को आखिरकार 17 साल बाद न्याय मिला और कोर्ट ने उसे रेप केस से बरी कर दिया। फैसला सुनते ही व्रत की आंखों से आंसू छलक पड़े, बोला कि इस पर झूठा रेप केस दर्ज होने से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई थी, पत्नी बच्चे छोड़ गए तथा 17 साल बेंगलोर में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। शुक्र है कि आखिरकार अब न्याय मिला। सिर उठाकर वह समाज के को कह सकेगा कि उसने किसी का रेप नहीं किया, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। दरअसल पाली के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो नंबर 3 के न्यायाधीश अनवर अहमद सुहान ने 17 साल पहले एक केस दर्ज हुआ था गैंगरेप के मामले में 7 अगस्त 2024 को फैसला सुनाया, जिसमें शिवपुर बिलवाड़ा निवासी 60 वर्षीय आरोपी जाकिर हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त घोषित किया गया है। बता दें कि 17 साल पहले 9 जून 2006 को कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला पुलिस थाना में आरोपी जाकिर हुसैन और 3 अन्य के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में 3 आरोपियों को वर्ष 2008 में न्यायालय ने दोष मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन आरोपी जाकिर हुसैन पुलिस के डर से पाली छोड़कर चला गया था। इस कारण 17 साल से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। नवंबर 2023 में महिला पुलिस थाना पाली की टीम ने धरपकड़ अभियान में जाकर जाकिर हुसैन को भिलवाड़ा की शिवपुर गांव से उसे पकड़ा और पाली न्यायालय में समक्ष में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 3 महीने तक आरोपी जेल में रहा। मामले में 7 अगस्त 2024 को पाली के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो नंबर 3 के न्यायाधीश अनवर अहमद सुहान ने फैसला सुनाया, जिसे संदेह का लाभ देते हुए आरोपी जाकिर हुसैन को दोष मुक्त करा दिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अरिहंत चोपड़ा, प्रवीण साहू, वीरेंद्र साहू ने पैरवी की। अब इज्जत की ज़िंदगी जी सकूंगा। फैसला आने पर 60 साल का जाकिर हुसैन रोने लगा, बोला कि जो झूठा केस दर्ज मुझ पर दर्ज हुआ, आखिरकार अब जाकर मुझे न्याय मिला है और अपनी बसी हुई ज़िंदगी इज्जत के साथ जी सकूंगा। उसने बताया कि केस दर्ज होने के बाद पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। शुक्र है कि अब न्याय मिला और भी इज्जत से जी सकूंगा। जाकिर हुसैन ने बताया कि वो बेंगलोर में मजदूर कर अपना पेट पाल रहा था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, लंबा इलाज चला, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज चाहिए थे। वो लेने वह अपने गाँव शिवपुर आया, इस दौरान पुलिस ने पकड़ लिया, जिसे बताया कि वह पाली में पहले मजदूरी करता था। इस दौरान उस पर वो केस दर्ज किया गया था।